महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर की जयंती के मौके पर डीडीए की जमीन पर फैली गंदगी को स्थानीय निगम पार्षद मनोज महलावत और पूर्व मेयर सरसा चौधरी ने साफ कराया। जी हां, एसडीएमसी के कर्मचारियों के साथ साथ खुद भी बीड़ा उठाया पूर्व मेयर सरसा चौधरी और निगम पार्षद मनोज महलावत ने। इन्होंने डीडीए की जो जमीन पर गंदगी फैली थी उसको खुद जेसीबी चलाकर यहां पर सफाई करती हुई नजर आ रही हैं पूर्व मेयर सरसा चौधरी। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्थानीय निगम पार्षद भी उनके साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये डीडीए का पार्क जो है काफ़ी समय से खराब हो रहा था। जी हाँ, कोरोना काल और मानसून में जिस तरीके से जो बारिश हुई उसकी वजह से यहाँ पर पेड़ और झाड़ियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पर खेल नहीं पा रहे थे। और उन्हीं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज निगम पार्षद मनोज महलावत और पूर्व मेयर सरसा चौधरी ने जेसीबी चलाकर इस ग्राउंड को पूरी तरीके से साफ किया। इससे पहले भी स्थानीय निगम पार्षद जब चुनकर आए थे तब यहाँ पर डंपिंग यार्ड था कूड़े का, लेकिन उसको उन्होंने साफ कराया था और लगातार यहाँ पर दशहरे का आयोजन भी होता था, रावण दहन का जो कार्यक्रम है लगातार स्थानीय निगम पार्षद मनोज महलावत के द्वारा यहाँ पर कराया जाता था। और लेकिन कोरोना काल में दशहरे का जो कार्यक्रम है वो नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से क्योंकि बच्चों के खेलने के लिए दिक्कत हो रही थी, साथ ही साथ जो लोग सुबह और शाम को टहलने आते थे उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, और इसी वजह से यहाँ पर जो साफ़ सफाई है वो कराई जा रही है। खुद आप देख सकते हैं कि जो पूर्व मेयर सरसा चौधरी हैं वो यहाँ पर किस तरीके से जो जेसीबी चलाती हुई नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर एसडीएमसी के कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी पहुँचे। काफ़ी बड़ा ये डीडीए का ग्राउंड है जो कि बदहाल हो रहा था, जिसकी साफ़ सफाई करने के लिए आज गांधी जयंती के मौके पर स्थानीय निगम पार्षद मनोज महलावत पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो सफाई अभियान है वो जेसीबी के द्वारा कराया जा रहा है। डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, महात्मा गांधी जी, शायद आप लाइफ में पहली बार जेसीबी चलाई होंगी जी, क्या कारण है? देखिए, आज क्योंकि गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, और हमने यहाँ पर एक सफाई अभियान रखा था आज यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये बच्चों के खेलने का ग्राउंड है, लेकिन लगातार बारिश के कारण और कोरोना के कारण बीच में इतना बच्चे नहीं खेल पाए, तो बड़े बड़े यहाँ पर पूरे पेड़ पौधे जो है उगाए हैं उनकी सफाई के लिए, कि बच्चे अब स्वच्छंद रूप से यहाँ पर खेल पाएँ। और वैसे भी व्यक्तिगत जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी गांधी जी ने जो एक स्वच्छता का हमें संदेश दिया था उसी पर आज पूरा भारतवर्ष चल रहा है। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने स्वच्छता अभियान 2.0 लॉन्च किया, और जो स्वच्छता अभियान उन्होंने 5 साल पहले शुरू किया था आज उसका असर हर जगह दिखाई दे रहा है। युवाओं में खास तौर पर बच्चों में सफाई को लेकर अब काफ़ी जागरूकता आ गई है, और जो पहले हम कूड़ा कचरा इधर उधर फेंक देते थे जो एक सामाजिक कुरीति के रूप में उभर कर आ रहा था, आज कहीं ना कहीं उसका असर हो रहा है। अब हम कूड़ा कूड़ेदान में फेंकते हैं, महिलाएं और युवा और विशेषकर स्कूली बच्चों पर इसका बहुत असर देखने को मिल रहा है। तो इसी के आज, क्योंकि वैसे तो हमारा लगातार सफाई अभियान चलता रहता है, लेकिन आज क्योंकि गांधी जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी भी जयंती है, तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, और हमने भी यहाँ पर जो है सफाई अभियान चलाया, और मैंने भी खुद जेसीबी चलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। हम लगातार जनहित के कार्यों में लगे रहते हैं, इसी प्रकार हमारी टीम और मेहरौली विधानसभा की पूरी टीम आगे भी जनहित के काम होंगे, सामाजिक काम होंगे, उनमें हम हमेशा बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देते रहें और आगे भी देते रहें। इस ग्राउंड में फिर आप जेसीबी लेके आ गए, क्या कारण है? इस ग्राउंड में हम फिर एक बार से सफाई करने आ गए जेसीबी के साथ, और हमारी फेडरेशन बसंत कुंज की सेक्रेटरी अमीना जी, इसमें आज उनका भरपूर सहयोग रहा। हमारी पूर्व में मेयर रही और हमारे यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ती रही और 3 बार पार्षद रही, ऐसी हमारी मैडम सरिता जी आज हमारे बीच में सफाई अभियान में बढ़ चढ़ कर रही। उन्होंने खुद से जेसीबी चलाकर आज इस सफाई अभियान की शुरुआत की, तो क्षेत्रवासियों में देखने को ही बनता था कि पूर्व मेयर और हमारी यहाँ की विधानसभा की नेता खुद ही जेसीबी चलाकर इस ग्राउंड को आज हमारे साथ मिलकर साफ करने के लिए उतर गई मैदान में, तो अपने आप में एक जोश बढ़ाने वाली एक आज का ये सफाई अभियान रहा।
आपने पिछली बार जो सफाई किया था तो क्या कमी रह गई थी कि फिर दोबारा से आना पड़ा? देखिए, कमी कुछ नहीं रह गई थी, बस ये था कि जब काफ़ी समय हो गया, जब बरसाती सीजन समाप्त हुआ तो ये जो खरपतवार इस ग्राउंड में उग गया तो इसको हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ बच्चे खेलते हैं, बड़े बुजुर्ग टहलने आते हैं, और ये बड़ा ही, आपने पहले देखा हो, डंपिंग यार्ड एक बन गया था, तो वो जब हमने साफ किया था तो ये आज में और उसमें देखोगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर नज़र आएगा। तो एक बार इसको फिर से थोड़ा साफ़ कर दें ताकि बच्चे फिर से अच्छे से खेल पाएँ, और हमारे बड़े बुजुर्ग जो सैर करते हैं, जो हमारी माताएं बहनें यहाँ पीछे हमारे बंधु कैंप में रहती हैं, जैन कैंप में रहती हैं, उनको एक अच्छा माहौल यहाँ मिल जाए सभी को। तो उसी कड़ी में आज हमने ये सफाई अभियान रखा अपने यहाँ। देश के दो महान हस्तियों का जन्मदिन, उनके लिए कुछ करते हैं? बिल्कुल, देखिए, आज का हमने सफाई अभियान का दिन इसीलिए चुना था 2 अक्टूबर। वैसे हम हर 2 अक्टूबर को हर साल कोई ना कोई बड़ा सफाई अभियान करते हैं और निरंतर और डेज में भी करते रहते हैं, लेकिन आज का विशेष दिन हमने इसलिए चुना था। हमारे देश की दो महान हस्तियों का आज जन्म दिवस है, तो हमें आज जो हमने अपने देश खुशहाली हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे महापुरुषों की का बहुत बड़ा योगदान है हमारी इस खुशहाली में। तो उन दो महान हस्ती महात्मा गांधी जी और डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की, दोनों की जयंती, पूरा देश एक साथ हंसी उस खुशी मना रहा है। आज उसी खुशी के अवसर पर हमने इस सफाई अभियान को अंजाम दिया, अपने तमाम क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर, अपनी पूर्व मेयर, हमारी फेडरेशन और सबके साथ मिलकर हमने इस सफाई अभियान को अंजाम दिया, सभी ने पूरा सहयोग किया। ये माना जाए कि महात्मा गांधी को बच्चों से ज़्यादा प्यार था, तो और ये बच्चों का प्ले ग्राउंड है, तो उसके कारण तो आप इसी जगह को सफाई करने के लिए सोचेंगे? देखिए, वो हमारे महापुरुष थे, उनको बच्चों से बहुत प्यार था, डॉक्टर साहब लाल बहादुर शास्त्री जी को भी अपने देश से बहुत प्यार था, तो दोनों ही महान हस्तियाँ थी और उनको अपने देश से दोनों को ही बहुत प्यार था। तो आज के शुभ दिन, आज उनकी जब जयंती है, तो हम कुछ ऐसा करें जो उनके सपने थे, कहीं ना कहीं उनको साकार करें। तो हमने सफाई के माध्यम से उनके सपनों को एक छोटा सा अपना एक योगदान देने का वो किया, और अंत में यही कहूँगा कि आज के शुभ दिन की समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई।